नमस्कार दोस्तों, एके राइटर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं पर खो गया है या फिर लापता हो गया है और आप एक नया बैंक से एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको एटीएम कार्ड लेने के लिए बैंक को एक एप्लीकेशन लिखकर बताने वाले हैं। इस तरह से आप भी एक बैंक को एप्लीकेशन लिखकर एक नए एटीएम कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एटीएम कार्ड के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक अगर दूसरा बैंक है, तो आपको यहाँ पर बैंक की जगह अपने बैंक का नाम लिखना है और जो भी आपका शहर है उसका नाम और आपका राज्य है उसका नाम आपको, यानी स्टेट का नाम लिख देना है। विषय के अंदर आपको लिखना है एटीएम कार्ड खो जाने हेतु आवेदन, यही विषय आपको डालना है अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं पर खो गया है तो। आगे आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर आपको अपना नाम लिख देना है जो आपके एटीएम कार्ड पे लिखा हुआ है और बैंक पासबुक पे है, और मैं आपका बैंक का खाता धारक हूं और मेरा खाता नंबर, यहाँ पर जो आपका अकाउंट नंबर है वह लिखिएगा। यह है हाल ही में दुर्भाग्यवश मैंने आपके द्वारा निर्गत किया गया एटीएम कार्ड खो दिया है, जिसका एटीएम कार्ड संख्या, आपका जो एटीएम कार्ड खो गया है उसी का आपको एटीएम कार्ड नंबर लिखना है, जो 14 डिजिट के अंदर होता है वह एटीएम कार्ड का नंबर आपको लिखना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे खोए हुए एटीएम कार्ड को ब्लॉक करके मेरा खाता संख्या पर नया एटीएम कार्ड को जारी करने के कष्ट करें, जिसके लिए सदा मैं आपका आभारी रहूंगा। यह बात आपको एप्लीकेशन में जरूर लिखनी है। इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट दे गए आवेदन के साथ मैंने यहाँ पर संलग्न कर दिया है, आपको यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पर लगानी होगी। इसी के बाद आपको लिखना है सधन्यवाद आपका विश्वासी, आपका नाम लिखना है जो बैंक पासबुक में लिखा हुआ है, खाता संख्या आपको लिख देनी है वापस, आपका मोबाइल नंबर जो एटीएम कार्ड और बैंक अकाउंट में लिंक किया हुआ है। इसके बाद आपको हस्ताक्षर करके जिस तारीख को ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन के आपको एप्लीकेशन लिख देनी है। तो इस तरह से आप बैंक को एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखकर अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं पर खो गया है तो वापस आप बैंक से नया एटीएम कार्ड बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल एके राइटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि घर बैठे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।